400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको हम लोग सरलता से हम लोग पार करें। मोदी लहर है पार्टी इसमें 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम कर रही है। तमाम रणनीति हम लोगों की बन गई है, 40 में 40 जीतेंगे, संकल्प है जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। आप कब नामांकन करेंगे सरकार का? अरे हमारा तो अब खुद का सबसे अंतिम फेज में है, तो नामांकन करेंगे, डेट तय करेंगे, बता दें। एनडीए गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सभी लोग नामांकन के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, 40 सीटों की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं मोदी लहर है। तो देखिए किस प्रकार से सभी जो नेतागण हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस में बात बन गई है क्या, इसमें कुछ नुकसान उससे क्या फर्क होना पड़ना है? पहले से पता है कि बात बननी ही है, कुछ होना नहीं है। बिहार में पिछले बार भी वो लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। भाई 400 सीटों पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 2019 में हम तीन दल थे, तब तो हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। आज की तारीख में हम लोग 5 दल हैं, 2 और मजबूत दल हमारे गठबंधन में जीते में जुड़े हैं। ऐसे में पूरे विश्वास के साथ और नामांकन में हम लोग गए हैं, जिस तरीके से माहौल है, लोगों में जो उत्साह है, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की 40 की 40। और ये सिर्फ बिहार का माहौल नहीं, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको हम लोग सरलता से हम लोग पार करें। मोदी लहर है पार्टी तरीके से पूरे मोदी जी की गारंटी पर जनता को विश्वास है और मोदी जी की गारंटी विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का है। और जनता एक तरफा मोदी जी को ऊपर विश्वास कर करके एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताएगा। आरजेडी कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है, बात बन गई, क्या लगता है इससे एनडीए को कुछ नुकसान होगा सीटों पर? देखिए परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की जमात विश्वास खो चुका है, नीयत में खोट है, इसलिए वो सफल नहीं हो रहे हैं। और जनता भी समझ चुकी है कि ये व्यक्ति परिवार से बाहर नहीं निकल सकता और जो परिवार के हित को सोचता है वो राष्ट्र का हित नहीं कर सकता। कांग्रेस अपना अस्तित्व को खो चुकी है, क्षेत्रीय पार्टी राजद के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। साफ रणनीति दुरुस्त है, एनडीए पूरी एकजुटता के साथ तमाम रणनीति हम लोगों की बन गई है, 40 में 40 जीतेंगे, संकल्प है जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। आप कब नामांकन करेंगे सरकार का? अरे हमारा तो अब खुद का सबसे अंतिम फेज में है, तो नामांकन करेंगे, डेट तय करेंगे, बता देंगे। आरजेडी और कांग्रेस में बात बन गई है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे आरजेडी? अरे कुछ भी बन जाए, जनता के बीच उनकी बात नहीं बनने वाली है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। लेकर कहा जा रहा हाथ उठ, मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।